फिल्म बहुत अच्छी है. इससे पहले मैंने पहले दो पार्ट देखे हैं तो तिग्मांशु धूलिया से काफ़ी उम्मीद थी. फर्स्ट पार्ट वॉज दी बेस्ट, सेकेंड पार्ट मुझे थोड़ा एवरेज लगा था. अगेन दिस पार्ट इज़ वेरी एंगेजिंग एंड वेरी एंग्रॉसिंग, तो बहुत अच्छी लगी. बहुत बहुत बेहतरीन मूवी है, बहुत अच्छे से बनाई गई है, बहुत प्यारा है, बहुत नाइस, एक्सेलेंट, बहुत मज़ा आया. फिल्म बहुत अच्छी थी. क्या उसे कहते हैं, फर्स्ट हाफ फिल्म का जो है, जो जब हम पार्ट टू का जहाँ पे छूट गया था 2013 में, जो कैरेक्टर बिल्डअप करने में थोड़ा सा लग गया और हल्की उसका हल्का सा जो प्लॉट है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि जो कैरेक्टर बिल्डअप पूरा है हमें समझ में आ रहा है, अच्छा अच्छा स्टोरी यहाँ पे छूटी थी, यहाँ से आने की कोशिश कर रहा है ये कैरेक्टर, यहाँ से आने की कोशिश कर रहा है, वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा स्लो बिल्डअप होता है. फिल्म तो मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, मैं बस बाबा को देखने आया था इसलिए बाबा का बड़ा फैन. संजय दत्त की एक्टिंग मतलब ऐसा तो लग ही नहीं सकता, मतलब बहुत लोग बोल रहे हैं ना बहुत टाइम के बाद स्क्रीन में आ रहे हैं और गैंगस्टर का रोल कर रहे हैं, वो मतलब संजय दत्त साहब जो गैंगस्टर का रोल है ना उनके लिए शायद वो बने हैं, मतलब उन पर इतना सूट होता है, कभी भी ऐसा देख के लग नहीं रहा यार मतलब छोड़ चुके हैं. तो मेरे को बाबा बहुत अच्छे लगे, उनसे जो काम कराया है बाखूबी उन्होंने वो काम किया है. स्टोरी में कुछ दम नहीं है, फर्स्ट पार्ट अच्छा था. देखिए सर ये थर्ड पार्ट था साहब बीवी गैंगस्टर सीरीज़ का, तो कंपैरेटिवली जब भी आप कोई पार्ट में देखते हो मूवीज़ तो आप हमेशा कंपेयर करते हो. मुझे पर्सनली सेकंड वाली ज़्यादा अच्छी लगी थी क्योंकि उसमें इरफान खान थे, बट ये मूवी भी अच्छी है. मैं हर सीक्वेंस देखा हूँ, हर बार कुछ नया देखने मिला है और इस बार भी वही सेम नया एंड वेरी नाइस. काफ़ी अच्छी, आई थिंक दिस द होल क्रेडिट ऑफ दिस मूवी गोज़ टू माही गिल. उनका रोल बहुत ही पावरफुल है और वो इतना इतना मतलब पावरफुली यू नो निखर के आई हैं इस मूवी में कि इफ़ इट्स वॉचेबल इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हर, क्योंकि मूवी की अगर लेंथ देखी जाए इट्स लाइक अराउंड 2.5 आवर्स, बट माही गिल ने ही मूवी को बांध के रखा है टिल दी एंड. बीवी सच में यार बहुत ही प्यारा रोल है, मतलब क्या है ना कि वो पता ही नहीं चल रहा यार कभी इस तरफ कभी इस तरफ, अभी ये गड़बड़ करेगी अभी ये गड़बड़ करेगी, फिर पता चलना चाहती नहीं मैं सुधर गई नहीं नहीं सुधरेगी. परफॉर्मेंस की बात करें साहब अच्छे रहेगी गैंगस्टर, इस बार साहब ज़्यादा अच्छे लगे गैंगस्टर से. सो जिम्मी शेरगिल तो बहुत ही बेमिसाल एक्टर है, उनका बहुत ही संजीदा रोल होता है हमेशा, और आई थिंक जिम्मी शेरगिल वाज मच बेटर देन संजय दत्त. आई थिंक संजू बायोपिक जो आई थी उसके बाद यही मूवी है जो कि पहली है संजय दत्त की, तो एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी. चिंतरानगा मैम की बहुत ज़्यादा स्क्रीन स्पेस है नहीं, ठीक ठाक स्क्रीन स्पेस है, जितना है अच्छा है. माही गिल मैम वॉज सुपर, मेरी इस फिल्म में माही गिल फेवरेट रही है. पार्ट टू में इरफान सर मेरे फेवरेट रहे थे और पार्ट वन में रणदीप हुड्डा और जिमी शेरगिल से मुझे देखते ही प्यारा हो गया था. इस फिल्म में माही गिल बहुत ही ज़बरदस्त रोल है. गाने कैसे लगे? मूवी के सॉन्ग्स ऐसे हैं कि जब अब लोग पिक्चर देखेंगे तो सॉन्ग्स को और सुना जाएगा, क्योंकि अब तक पिक्चर की बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं की गई थी. बहुत ज़्यादा ज़्यादा का म्यूज़िक है नहीं, ठीक ठाक गाने. इसे देखना चाहेंगे फिल्म? बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर देखेंगे, डेफिनेटली. मैं आउट ऑफ 5, 4.5. 3.5. 3.5. देखिए मैं दूंगा 3 out of 5 stars और मैं बोलूंगा कि इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस. आई मीन आई एम गुड.